अगर आप भी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें आवेदन के बाद जो है 3 लेवल पे यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका जो है पेमेंट डन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों का जो है पहला वेरिफिकेशन तो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है जो कि कॉलेज लेवल पर था। उसके बाद दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन है जो कि ज़्यादातर लोगों का हो चुका है, बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ है। और लास्ट जो वेरिफिकेशन है जो कि DPO वेरिफिकेशन है दोस्तों, ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका लास्ट जो प्रोसेस होता है पेमेंट वाला होता है। यानी कि ये जो अगर वेरिफिकेशन आपका हो जाता है तो आपको जो है 1 महीने के अंदर में पेमेंट डाल दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो DPO वेरिफिकेशन है इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरीके से आपका ये वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो है कितने दिन में आपका पेमेंट आता है, क्योंकि दोस्तों ये जो लास्ट वेरिफिकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा, और भी बहुत सारे चीज़ है, कैसे आप स्टेटस चेक करेंगे ये भी हम आपको बता देंगे। ऐसे तो सेम प्रोसेस होता है स्टेटस का, लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसका प्रोसेस क्या है, कैसे आपके अकाउंट में लास्ट तक पैसे आने वाले हैं, तो तमाम बातें डिटेल्स में करेंगे। आई होप कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप किसी भी सेशन या किसी भी क्लास के लिए अप्लाई किए हुए हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आगे से आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्टेटस में सबसे पहले तो जो इंस्टीट्यूट वाला है यानी कि कॉलेज वाला, ये अप्रूव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल भी अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे DPO वेरिफिकेशन है, जो कि हम आपको बताए थे कि यहाँ पे 3 लेवल में वेरिफिकेशन होता है। तो अगर ये दोनों हो चुका है आपका, मान लीजिए ये तो सबका हो चुका है और फिजिकल वाला किसी का बाकी है, किसी का हो भी गया है, ज्यादातर का हो गया है, और दोस्तों मेन जो ये DPO वेरिफिकेशन है जो कि SSA देख रहे हैं ये वाला पेंडिंग है। अगर ये वाला अप्रूव हो जाता है उसके बाद दोस्तों आपका जो है पेमेंट स्टेटस जो है यहाँ पे पेंडिंग जो दिखा रहा है यहाँ पे डन हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। स्टेटस चेक अगर आपको नहीं करना आता है तो आगे हम आपको बताएंगे, 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो दोस्तों लॉगिन करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पोस्ट का, यहाँ पे आइएगा, आप जिस भी कास्ट से है उसका लिंक पे क्लिक कीजिएगा, और एप्लीकेशन स्टेटस के लिंक से भी चेक कर सकते हैं। यानी कि 2 तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि या तो उससे चेक कीजिए, नहीं तो दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस वाले पे भी पता ही है कि एप्लीकेशन स्टेटस से भी हम चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस का भी लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस। अब समझते हैं दोस्तों जो आपका मेन हम वेरिफिकेशन की बात करने वाले हैं, जो कि DPO वेरिफिकेशन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका पेंडिंग है, तो इसका कैसे प्रोसेस है, उसके बाद पेमेंट कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों जो गाइडलाइंस बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है देख सकते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, और यहाँ पे छात्रवृत्ति का जो स्वीकृति 5 नंबर में देख रहे हैं, इसी में डिटेल समझाया गया। देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति है तो जो भी छात्र आवेदन करेंगे उसके आधार पर दोस्तों यहाँ पे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि SSA जो हम आपको बताए हैं यहाँ पे DPO वेरिफिकेशन, उसके स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों को संबंधित जो है वहाँ पे जो है आवेदन को अलग अलग जो है वहाँ पे सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि कास्ट वाइज जो है तैयार किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आवेदन का जो है संबंधित जिला जो कार्यक्रम पदाधिकारी है सभी आवेदन पत्र को जो है अपने जिला समिति के जो उपस्थिति में, यानी कि जो जिला में कम्युनिटी बनाया गया है उसके उपस्थिति में जो है सबको दोस्तों देखा जाएगा। जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो रिन्यूअल करेंगे उसकी स्वीकृति दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों जो नया आवेदन है उसका जो है स्वीकृति दिया जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपका जो है स्वीकृति यहाँ पे जो है जिला जो कार्यक्रम पदाधिकारी है, जो कि लास्ट वाला जो यहाँ पे हम आपको बताए थे जो DPO जिसको SSA भी बोल रहे हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ये अगर यहाँ पे आपका जो है पेंडिंग को अप्रूव कर देते हैं, तो अप्रूव करने के बाद का प्रोसेस आप समझ लीजिए कि अगर आवेदन जो है प्राप्ति एक अप्रूव कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए आवेदकों का स्वीकृति के उपरांत यहाँ पे सबसे पहले स्वीकृति के अंतिम 1 माह के अंदर छात्रवृत्ति जो है पूर्ण रूप से मिल जाएगा, यानी कि उनको मिल जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन का चयन स्वीकृति वितरण किसी प्रकार के नियमित जिला शिक्षा छात्रवृत्ति समिति खासकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है उत्तरदायी माने जाएंगे, यानी कि उनके ही हाथ में है कि वो स्वीकृति अगर कर देते हैं तो आपको पैसा चला जाएगा। लास्ट प्रोसेस वही है, यहाँ पे हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं और भी चीज बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, जैसे कि क्या क्या किस तरीके से जो है यहाँ पे DPO वेरिफिकेशन हम आपको बता दिए कि DPO वेरिफिकेशन के बाद आपका पेमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हम नीचे जैसे आप जाते हैं तो दोस्तों आपका जो फिजिकल है थर्ड पार्टी जो करती है वो तो बहुत सारे का हो चुका है। यहाँ पे उसके बाद जो दोस्तों देख सकते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का जो प्रोसेस है, यहाँ पे बिहार के अंदर के संस्थान जो भी है उसका जो यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले वो लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों
जो वेरिफिकेशन का प्रक्रिया है, दो तरह से वेरिफिकेशन होगा। एक दोस्तों जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो कि करेंगे बिहार के अंदर के जो कॉलेज है उसका, और जो बाहर का कॉलेज है उसका थर्ड पार्टी एजेंसी करेगी। तो ये दोस्तों सब कुछ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है स्वीकृति देंगे आईडी पासवर्ड लॉगिन करके। उसके बाद दोस्तों आपका जो है भुगतान का प्रस्ताव देख सकते हैं, निर्देश यहाँ जिला निर्देश यहाँ पे जो है आपको जिला पदाधिकारी यानी कि जिला शिक्षा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और थर्ड पार्टी एजेंसी के स्वीकृति के बाद जो है आपको वो सारा भुगतान के लिए जो है डाटा तैयार होगा, उसके बाद दोस्तों आपको जो है पेमेंट किया जाएगा। तो यही दोस्तों प्रोसेस हम आपको बता दिए, आप चाहे तो इसमें आके पढ़ सकते हैं किस तरीके से क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं स्वीकृति या स्वीकृति किया जाएगा मेन जो है इसके अनुसार ही। तो यही दोस्तों जानकारी था कि ये प्रोसेस जैसे आपका जो है डीपीओ वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो आपका पेमेंट वाला लास्ट स्टेज आ जाएगा, उसके बाद पेमेंट डायरेक्ट आएगा, रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं बनेगा। तो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगे लाइक कर दीजिए और इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, इसी तरह का इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।